देखो रिसेंटली मैंने वीडियो डाली बेस्ट एचपी के लैपटॉप की, उसके बाद डेल के लैपटॉप, डेडिकेटेड ओलेड लैपटॉप एंड साथ में 14 इंचेस के लैपटॉप पे। उसके बाद आज की वीडियो टोटली डेडिकेटेड है असूस के बेस्ट लैपटॉप पे। पहले भी ऐसी एक वीडियो डाली है मैंने जिसे आपने बहुत ही ज्यादा प्यार दिया एंड ये वीडियो उसी का अपडेटेड वर्जन है। लैपटॉप नए आ चुके हैं मार्केट के अंदर एंड उनके बजट के अंदर भी काफी ज्यादा चेंजेस हुए हैं एंड आज की इस वीडियो में आपको हर एक बजट के अंदर लैपटॉप बताऊंगा अंडर 40,000 से लेके अंडर 80,000 रुपीज तक एंड इसी के अंदर आपके हर एक पर्पज का लैपटॉप भी कवर कर दिया मैंने। स्टूडेंट, कोडिंग, ऑफिस, गेमिंग एंड वीडियो एडिटिंग, ये सारे लैपटॉप आपको आज के इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो अपनी वीडियो का सबसे पहला लैपटॉप है Asus HeroBook 15 लैपटॉप। ये इस बजट का वन ऑफ द लेटेस्ट एंड वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप है। 39,000 रुपीज का करंट प्राइस है। इंटेल कोर i3 प्रोसेसर दिया गया 1215U 12 जनरेशन का, 6 कोर्स 8 थ्रेड्स वाला। स्कोर्स आपके सामने है। एक चीज है कि इसी बजट के अंदर जितने भी आपको मार्केट के अंदर बाकी सारे प्रोसेसर मिल जाते हैं ना, उन सबके साथ कंपेरिजन आप देख सकते हो। सबसे बढ़िया स्कोर्स आपको इस लैपटॉप के अंदर मिल जाते हैं। 8GB की रैम मिल जाती है, ऑनबोर्ड रैम है DDR4 3200MHz वाली विच इज एक्सपेंडेबल अप टू 16GB, साथ में 512GB की SSD विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। ये लैपटॉप फुल साइज डिस्प्ले वाला 15.6 इंचेस की फुल एचडी एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिल जाएगी आपको लैपटॉप में 45% एनटीएससी एंड 220 निट्स के ब्राइटनेस के साथ में। 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया, इंटेल के यूएसडी ग्राफिक्स, एमएस ऑफिस 2021 आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिल जाएगा। सारी नेसेसरी बोर्ड्स हैं लैपटॉप में। 4 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल जाएगा आपको एंड इसके अंदर आपको कुछ एडिशनल फीचर्स भी मिल जाते हैं। अलेक्सा वॉइस रिकॉग्निशन को ये लैपटॉप सपोर्ट करता है, प्राइवेसी शटर कैमरा एंड साथ में आपको दिया गया बैकलाइट चिकलेट कीबोर्ड। तो ये लैपटॉप आपने जरूर कंसीडर करना, अंडर 40,000 के बजट में वन ऑफ दी हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप है। एंड एक और चीज है, देखो सेम लैपटॉप आपको 14 इंच के डिस्प्ले साइज में भी मिल जाएगा। अगर आपने सेम स्पेसिफिकेशन के साथ 14 इंच के डिस्प्ले साइज में लैपटॉप बाय करना है, उसका भी बेस्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब बात करते हैं बेस्ट असूस लैपटॉप्स अंडर 50,000 के बजट में। ये लैपटॉप है Asus HeroBook 15 लैपटॉप। 48,500 रुपीज का करंट प्राइस है। 180 डिग्री की हिंज मिल जाती है एंड इसके अंदर आपको मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी दी रखी है। इंटेल कोर i5 प्रोसेसर है, 1235U 12 जनरेशन का यू सीरीज का प्रोसेसर है। बहुत ही बढ़िया बैटरी बैकअप आपको इस लैपटॉप के अंदर मिल जाएगा। 10 कोर्स 12 थ्रेड्स, 8GB की रैम मिल जाती है विच इज एक्सपेंडेबल अप टू 12GB, DDR4 RAM है 3200MHz वाली, 512GB की Gen 3 SSD विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल, 15.6 इंचेस की FHD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया, 220 निट्स की ब्राइटनेस एंड साथ में 45% NTSC। लैपटॉप के अंदर आपको इंटेल के आयरिस ग्राफिक्स मिल जाते हैं। एमएस ऑफिस 2021 आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में दिया गया। सारी नेसेसरी पोर्ट्स हैं इसके अंदर भी एंड इसके अंदर भी आपको प्राइवेसी शटर कैमरा मिल जाएगा एंड साथ में फिंगरप्रिंट सेंसर। तो ये लैपटॉप भी आपने जरूर कंसीडर करना है। इसका भी जो बेस्ट बाय लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब ये लैपटॉप है Asus HeroBook 16X लैपटॉप। देखो ये जो लैपटॉप है ना, ये इस टाइम पे वन ऑफ दी हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप है इस बजट का, क्योंकि इसके अंदर जो आपको प्रोसेसर दिया गया ना वो एक गेमिंग सीरीज का प्रोसेसर है। बट फर्स्ट इसका जो प्राइस है दैट इज अराउंड 47,000 रुपीज एंड अगर आपने 47,000 के बजट के अंदर लैपटॉप बाय करना जिसके ऊपर आपकी थोड़ी बहुत गेमिंग हो सके एंड साथ में अगर आपने HD फुल HD तक के लेवल की वीडियोस एडिट करनी है, ये सारे काम इस लैपटॉप के ऊपर इजिली हो जाएंगे। 180 डिग्री की हिंज मिल जाती है, हाई क्वालिटी का प्लास्टिक यूज किया गया, बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है इसकी। राइजन 5 प्रोसेसर दिया गया 5600H। इस बजट का राइजन की सीरीज के अंदर सबसे तगड़ा प्रोसेसर है, एच सीरीज वाला प्रोसेसर है। जैसे मर्जी आपने इसके ऊपर हैवी काम करने है ना, वो सारे इसके ऊपर हो जाते हैं। कंपैरिजन आपके सामने इसी बजट के जो भी बाकी सभी प्रोसेसर है ना, उन सबके कंपैरिजन में इसकी परफॉर्मेंस फार बेटर है। 8GB की रैम मिल जाती है विच इज एक्सपेंडेबल अप टू 16GB, साथ में 512GB की SSD विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। 16 इंच की फुल HD प्लस IPS लेवल एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिल जाती है, 300 निट्स की ब्राइटनेस एंड 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया। AMD की रेडियन वेगा 7 ग्राफिक्स हो गए। MS ऑफिस 2021 आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में दिया गया। सारी नेसेसरी पोर्ट्स हैं, 5 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल जाएगा, बैकलाइट चिकलेट कीबोर्ड दिया गया, फिंगरप्रिंट रीडर के साथ में प्राइवेसी शटर कैमरा भी आपको इसके अंदर मिल जाएगा। देखो सिंपल चीज है कि अगर आपका बजट अराउंड 47,000 रुपीज है ना एंड आपने राइजन का ऐसा लैपटॉप बाय करना जिसके ऊपर आपके कोई भी किसी भी तरह का काम हो सके हैवी वाला, तो ये लैपटॉप आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन है। आंखें बंद करके आप इस लैपटॉप को बाय कर सकते हो। लेकिन ये Asus HeroBook 15 लैपटॉप, ये लैपटॉप उससे भी ज्यादा बेटर है। फिर इसका प्राइस थोड़ा बढ़ जाता है, 50,000 रुपए इसका करंट प्राइस है, बट ये लैपटॉप 50,000 के बजट के अंदर ना टोटली वर्थ इट है। मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी मिल जाती है सबसे पहले, तो इसका मतलब होता है कि लैपटॉप की जो बिल्ड क्वालिटी है ना, दैट इज सर्टिफाइड बाय कंपनी। कंपनी ने ऑलरेडी अपने लैपटॉप के ऊपर काफी ज्यादा टेस्टिंग कर रखी है उसकी बिल्ड क्वालिटी को बढ़िया बनाने के लिए। साथ में i5 का 12500H प्रोसेसर दिया गया, गेमिंग प्रोसेसर है, 12 कोर 16 थ्रेड्स। देखो सिंपल चीज है कि अभी तक के जितने भी लैपटॉप हम इस वीडियो के अंदर देख चुके हैं ना, उन सबके कंपैरिजन में सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस आपको इसके अंदर मिल जाती है। जो अभी अभी हमने Ryzen 5 5600H प्रोसेसर देखा ना, उसके कंपैरिजन में भी आपको इसके अंदर परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर मिल जाती है। 8GB की रैम है विच इज एक्सपेंडेबल अप टू 12GB, साथ में 512GB की SSD विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल, 15.6 इंचेस की FHD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 220 निट्स की ब्राइटनेस एंड साथ में इंटेल के आयरिस ग्राफिक्स। MS ऑफिस 2021 आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में दिया गया। सारी नेसेसरी पोर्ट्स हैं लैपटॉप में, बैकलाइट चिकलेट कीबोर्ड, प्राइवेसी शटर कैमरा एंड साथ में आपको इसके अंदर एक साल के लिए मैकाफे एंटीवायरस का भी सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। तो ये लैपटॉप तो आप
सब के लिए हाईली रिकमेंडेड है। देखो मेरी मानो तो अगर आप अपने बजट को थोड़ा सा पुश कर सकते हो ना, 50,000 रुपए अपने लैपटॉप के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हो ना, ये आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन है। अभी थोड़ा ध्यान दो, देखो इसी प्रोसेसर के साथ आपको ASUS VIVOBOOK के 3 मॉडल मिल जाती है। एक तो हमने देखा 12500H वाला FHD एंटीग्लेयर डिस्प्ले मिल जाती है, एंड दूसरे के अंदर प्रोसेसर सेम है बट वो ईवो सर्टिफाइड लैपटॉप है नॉन OLED डिस्प्ले के साथ में। इसमें आपको Gen 4 SSD मिल जाती है, 100% sRGB वाली डिस्प्ले है, बट ये ईवो सर्टिफिकेशन क्या होती है उसे चेक कर लो। देखो ईवो सर्टिफिकेशन के साथ जो भी आपको लैपटॉप मिलता है ना मार्केट के अंदर, उसके कुछ बेंचमार्क्स हैं, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो कि आपको इस लैपटॉप के अंदर पक्का मिलते हैं। 9 घंटे तक का बैटरी बैकअप होगा, टाइप सी फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिल जाती है, 30 मिनट चार्ज करने पे 4 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल जाएगा आपको, थंडरबोल्ट 4 पोर्ट, वाईफाई और ब्लूटूथ इन दोनों का लेटेस्ट वर्जन, फिंगरप्रिंट सेंसर एंड साथ में बूटिंग टाइम बहुत ही कम होता है, स्लीप से सिर्फ 1 सेकंड के अंदर ऑन हो जाते हैं FHD कैमरा। ये तो बात होगी इंटेल ईवो सर्टिफाइड लैपटॉप की। एक और मॉडल आपको मिल जाएगा, उसके अंदर आपको OLED डिस्प्ले दे रखी है। तीनों के प्राइस में काफी ज्यादा डिफरेंस है बट तीनों के अंदर आपको सेम प्रोसेसर दिया गया है। सिंपल वाला लैपटॉप आपको 50,000 के बजट के अंदर मिल जाता है, एंड जो ईवो सर्टिफाइड लैपटॉप है उसका प्राइस 58,000 रुपीज है, उसके अंदर आपको OLED डिस्प्ले नहीं मिलती। बट आपको OLED डिस्प्ले वाला लैपटॉप ईवो सर्टिफिकेशन के साथ मिलेगा 70,000 के प्राइस पॉइंट पे, प्रोसेसर तीनों का सेम है। तो आप इन तीनों में से अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किसी भी लैपटॉप को बाय कर सकते हो। अब बात करते हैं बेस्ट ASUS लैपटॉप्स अंडर 60,000 रुपीज की। ASUS VIVOBOOK S14 लैपटॉप, देखो ये लैपटॉप है 2-in-1 लैपटॉप, टच स्क्रीन डिस्प्ले के साथ आपको लैपटॉप मिलेगा। इसका प्राइस है 57,000 रुपीज। आप में से जिसे भी 57,000 के बजट के अंदर एक ऐसा लैपटॉप चाहिए जिसकी टच स्क्रीन डिस्प्ले हो, तो ये लैपटॉप आपके लिए एकदम ही परफेक्ट ऑप्शन है। 360 डिग्री की हिंज मिल जाती है लैपटॉप में, प्राइवेसी शटर कैमरा, फिंगरप्रिंट सेंसर, बैकलाइट कीबोर्ड एंड इसके अंदर आपको ASUS का नंबर पैड 2.0 दिया गया, राइजन 550 600H प्रोसेसर दिया गया, 5000 सीरीज का 6 कोर्स एंड 12 थ्रेड्स। लैपटॉप के अंदर आपको 16 GB की रैम मिल जाती है विच इज एक्सपेंडेबल अप टू 24 GB, साथ में 512 GB की SSD है। अब ये लैपटॉप है 14 इंचेस की डिस्प्ले साइज में, फुल HD प्लस ग्लॉसी डिस्प्ले मिल जाती है लैपटॉप में, टच स्क्रीन डिस्प्ले है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन के साथ में, 300 निट्स की ब्राइटनेस, 45% NTSC, AMD के रेडियन ग्राफिक्स हो गए, MS Office लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिल जाएगा 2021, McAfee एंटीवायरस भी आपको 1 साल की सब्सक्रिप्शन के साथ मिल जाएगा। तो ये लैपटॉप भी आपने जरूर कंसीडर करना है। टच स्क्रीन लैपटॉप है 57,000 के बजट के अंदर आपको मिल रहा है, गो फॉर इट। बेस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला भी लैपटॉप ASUS का ही है, ऑब्वियसली ASUS की वीडियो चल रही है, ASUS VIVOBOOK 15 लैपटॉप, 60,000 रुपए लैपटॉप का करंट प्राइस है। मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी मिल जाएगी आपको, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि उसका मतलब क्या होता है, बहुत ही बढ़िया बिल्ड क्वालिटी एंड साथ में 180 डिग्री की हिंज। i7 का प्रोसेसर है 12 जनरेशन का, 12650H, 10 कोर्स, 16 थ्रेड्स वाला, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्रोसेसर ऑफ दिस बजट। इस बजट के अंदर आपको जितने भी प्रोसेसर मिल जाते हैं ना, उन सब के कंपैरिजन में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस इसकी है। 16 GB की रैम, 24 GB तक एक्सपेंडेबल है, 512 GB की SSD विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल, 15.6 inches की FHD डिस्प्ले, 60Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया, 220 निट्स की ब्राइटनेस एंड साथ में 45% NTSC, इंटेल के आईरिस ग्राफिक्स होगी, MS Office 2021 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में दिया गया, सारी नेसेसरी पोर्ट्स हैं, 4-5 घंटे तक का बैटरी बैकअप हो गया, बैकलाइट चिकलेट कीबोर्ड, प्राइवेसी शटर कैमरा, McAfee 1 साल की वैलिडिटी के साथ में, 60,000 के बजट के अंदर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्रोसेसर वाला लैपटॉप है, गो फॉर इट। अगला लैपटॉप ASUS VIVOBOOK 15 लैपटॉप, अंडर 70,000 के बजट के अंदर लैपटॉप जो भी आपको मिलते हैं ना ASUS के, वो वाले चेक करते हैं। 64,000 रुपीज इसका करंट प्राइस है। मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी, 180 डिग्री की हिंज, बैकलाइट चिकलेट कीबोर्ड एंड साथ में प्राइवेसी शटर कैमरा, i5 का 13500H प्रोसेसर दिया गया, लेटेस्ट 13 जनरेशन का, 12 कोर 16 थ्रेड्स वाला। देखो ये जो प्रोसेसर है वो लेटेस्ट है 13 जनरेशन का, एंड वो भी एच सीरीज का प्रोसेसर है, तो ऑब्वियसली इसकी जो परफॉर्मेंस है ना वो बाकी सभी लैपटॉप के कंपैरिजन में सबसे बढ़िया होगी। देखो सिंपल चीज है कि जैसे जैसे वीडियो के लैपटॉप्स का बजट बढ़ता जा रहा है ना, वैसे वैसे लैपटॉप्स आपको ज्यादा पावरफुल ही मिलेंगे। 16 GB की रैम है, एक्सपेंडेबल है 24 GB तक, 512 GB की Gen 4 SSD विच इज एक्सपेंडेबल, 15.6 इंचेस की FHD एंटीग्लेयर डिस्प्ले, 250 निट्स की ब्राइटनेस, 60Hz का रिफ्रेश रेट एंड 178 डिग्री इसके वाइड व्यूइंग एंगल्स, इंटेल के आयरिस ग्राफिक्स, MS Office 2021, 4-5 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल जाएगा आपको, 64,000 के बजट के अंदर टोटली वर्थ इट लैपटॉप है। तो ये लैपटॉप भी आपने जरूर कंसीडर करना है, गो फॉर इट। अगला लैपटॉप है ASUS VIVOBOOK Pro 15 लैपटॉप, 66,000 रुपीज लैपटॉप का करंट प्राइस है। GPU के साथ आपको ये लैपटॉप मिल जाएगा, इसके अंदर आपको डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड दिया गया है, मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी होगी, राइजन 550 600H प्रोसेसर दिया गया है, 6 कोर्स एंड 12 थ्रेड्स वाला, प्रोसेसर के सारे स्कोर्स आपके सामने है। अब वीडियो को पॉज करके इसके स्कोर्स को चेक कर सकते हो। 16 GB की रैम मिल जाती है, DDR4 RAM है 3200 MHz वाली, साथ में 512 GB की SSD विच इज एक्सपेंडेबल, 15.6 इंचेस की फुल HD IPS लेवल डिस्प्ले, 144Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया, 250 निट्स की ब्राइटनेस एंड साथ में RTX 3050 ग्राफिक कार्ड दिया गया, डेडिकेटेड 4 GB का TGB 50 वॉट्स है, MS Office 2021 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में दिया गया, सारी नेसेसरी पोर्ट्स हैं, 3-4 घंटे तक का बैटरी बैकअप हो गया, बैकलाइट कीबोर्ड, फिंगरप्रिंट सेंसर एंड साथ में प्राइवेसी शटर कैमरा, ये सारी चीजें आपको इस लैपटॉप के अंदर मिल जाती हैं।
Asus TUF Gaming F15 लैपटॉप। देखो इसका जो प्राइस है ना वो काफी ज्यादा फ्लक्चुएट होता रहता है। लैपटॉप अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप है इस पीरियड का, बट इसका जो प्राइस है वो 73,000 से लेके 77,000 के बीच में फ्लक्चुएट होता रहता है। मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी मिल जाती है। i5 का 12500H प्रोसेसर है, 8GB की रैम विच इज एक्सपेंडेबल अप टू 32GB, साथ में 512GB की SSD विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। 15.6 inches की FHD एंटीग्रेटेड डिस्प्ले, 144Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया, RTX 3050, 4GB का डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड दिया गया मक्स स्विच और ऑप्टिमस के साथ में। बट ये ज्यादा पावरफुल ग्राफिक कार्ड है क्योंकि इसके अंदर आपको 95W की TGB मिल जाती है, एंड इसके थ्रू आप डायरेक्ट मक्स स्विच से GPU से डिस्प्ले ले सकते हो। सारी नेसेसरी पोर्ट्स हैं लैपटॉप में। सिंगल जोन RGB बैकलाइट कीबोर्ड मिल जाएगा लैपटॉप में। फ्रॉम 0 to 50% इसकी जो बैटरी है ना वो सिर्फ 30 मिनट के अंदर चार्ज हो जाती है। तो ये लैपटॉप भी आपने जरूर कंसिडर करना है। अंडर 80,000 के बजट के अंदर हैंड्स डाउन सबसे पावरफुल लैपटॉप है। सो या दीज आर दी बेस्ट असूस लैपटॉप इन 2023। देखो सिंपल चीज है कि आपने सिर्फ एक चीज करनी है, आपने अपना बजट डिसाइड करना है। आफ्टर डिसाइडिंग योर बजट, जो भी लैपटॉप आपको उस बजट के अंदर बढ़िया लगता है, जस्ट गो विद दैट ऑप्शन। सभी के बेस्ट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, एंड इन केस अगर आपकी फिर भी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज उसे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। वीडियो अगर आपको बढ़िया लगी हो तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर करें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। पीस आउट।